हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियांश गौतम ऑफिशियल। आज मैं आप लोग साथ शेयर करने जा रही हूँ साड़ी ड्रेपिंग वीडियो। शेप वियर के साथ में आप साड़ी कैसे पहन सकते हो आज मैं आपको बताऊंगी, और आप एकदम से जो आपका लुक है एकदम से स्लिम और परफेक्ट दिखेगा। सो आपको कैसे पहनना है ये आज मैं इस वाली वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो देख सकते हो यहाँ पर मैंने वियर किया हुआ शेप वियर। सो साड़ी के साथ में ये बहुत अच्छे से फिटिंग के साथ में पहन सकते हो आप इसको, लेकिन याद रखना है आपको थोड़ा जो आपका नाड़ा होता है वो थोड़ा सा टाइट होना चाहिए, तभी आप इसको पहन सकते हो। सो यहाँ पे मैंने शेप वियर वेयर किया हुआ है, और ये है मेरी ब्लू कलर की साड़ी जो कि सिफॉन जैसे कपड़े में है, बहुत लाइट वेटेड साड़ी है। सो आप इसको इसके साथ पहन सकते हो और बहुत अच्छे से वेयर कर सकते हो। सो ये मैंने एक राउंड इसको मैं कंप्लीट कर लूँगी और अच्छे से इसको अंदर टक कर लूँगी, और बहुत आराम से इसमें टक हो जाती है। और अगर आप चाहते हो कि पेटीकोट पहनना तो आप पेटीकोट भी ले सकते हो, बट मैं आज आपको इस वाली वीडियो में यही बता रही हूँ कि शेप वियर के साथ में भी आप साड़ी को कैसे पहन सकते हो और बहुत अच्छे से एकदम परफेक्ट लुक आता है, बहुत परफेक्ट फिटिंग के साथ में आप साड़ी वेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, देन आपको पल्लू लेना है और उसको अपने शोल्डर पे ऐसे रैंडमली आपको अपने शोल्डर पे डाल लेना है। और यहाँ पे मैंने पल्लू का मेजरमेंट लिया है और उसको थोड़ा सा लंबा रखा है क्योंकि मुझे लंबा पल्लू पसंद है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। वैसे एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, हाइट अच्छी दिखाने के लिए आपको लंबा पल्लू ही रखना चाहिए, बिकॉज उससे जो हाइट होती है हमारी थोड़ी लंबी दिखती है, अच्छे से लुक अच्छा आता है लंबे पल्लू में। सो उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा फैब्रिक लिया है और इसको हल्का सा एक्स्ट्रा छोड़ दिया है क्योंकि मुझे उसके बाद में काम है। सो उसके लिए मैंने इसको अंदर टक कर दिया। देन यहाँ पे हम यहाँ बना रहे हैं प्लीट्स, तो सामने वाली प्लीट्स मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। ऑलरेडी मैं कई बार आपको इस वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कई और वीडियोस में कि किस तरीके से मैं ये वीडियो सॉरी ये फिंगर से ये प्लीट्स बनाती हूँ, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। बहुत ईजीली बन जाती हैं एंड बहुत परफेक्ट तरीके से बनती हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी प्लीट्स भी आती हैं। सो आप इस तरीके से भी बना सकते हो, जिनको कैची टाइप में नहीं आती है बनाना प्लीट्स, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। उसके बाद मैं ये जो प्लीट्स हैं इनको हल्का सा पकड़ के सही कर लूँगी, और उसके बाद इसको अंदर टक कर लूँगी, और आराम से मेरे जो शेप वियर में ये जो मेरी प्लीट्स हैं वो अंदर टक हो गई हैं। उसके बाद हमने नीचे कुछ नहीं किया, बाकी का जो फैब्रिक है उसको ऐसे छोड़ दिया है। उसके बाद सबसे पहले हम अब आते हैं यहाँ पे पल्लू पे। सो पल्लू पे मैं यहाँ पे प्लीट्स बना ले रही हूँ, छोटी छोटी अपने अकॉर्डिंग बना ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। सो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से जो प्लीट्स हैं वो बना ली हैं, और एक एक करके इनको एडजस्ट कर लूँगी और परफेक्ट देने के लिए, सो अच्छे से मेरी जो प्लीट्स हैं वो आ जाएँ। तो उनको मैं एक एक प्लीट्स पकड़ के सही कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी जो प्लीट्स हैं बहुत अच्छे से बन रहे हैं, बिकॉज ये जो साड़ी है बहुत लाइट वेट है और बहुत अच्छे से भी इसमें जो प्लीट्स हैं मेरी बन गई हैं। सो उसके बाद मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन ले रही हूँ और उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने शोल्डर पे सिक्योर कर दूँगी जिससे मेरी प्लीट ना गिरे। अब चलते हैं नीचे वाली प्लीट्स में। सो ये देख सकते हो मैंने यहाँ पे वियर किया। उसके बाद ये जो मैंने फैब्रिक छोड़ा था आप टक किया था, उसको हम खोल देते हैं वहाँ से, और इसको इस तरीके से खींचते हुए ऊपर की साइड से आगे की साइड में इस तरीके से लेके आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो प्लीट्स हैं और यहाँ पे हमने जो फैब्रिक बचा हुआ है हमारा साइड से, इसमें अंदर हमने हाथ डाला और ये जो फैब्रिक है इसको अंदर से निकालना है आपको, और ऊपर की साइड में आपको लेके आना है और इतना टाइट खींचना है जिससे कि जो हमारी कमर वाली जो साइड है ना वहाँ पर एकदम परफेक्ट फिटिंग आए, अच्छा सा लुक आए। सो आपको टाइटली खींचना है और इसमें हल्का सा ट्विस्ट देना है और उसको अंदर की साइड में टक कर लेना है। गाइस ये वाला जो ट्रिक है बहुत ही बेस्ट है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी फिटिंग आती है, आप देख ही सकते हो। एक तो मैंने इसमें शेप वियर पहना हुआ है, ऊपर से मैंने इसको इस तरीके से खींच के मैंने इसको ट्विस्ट करके पहना है साड़ी को, तो गाइस आप यकीन नहीं मानोगे बहुत परफेक्ट तरीके से जो हमारी शेप है बहुत अट्रैक्टिव लगती है इस तरीके से। सो आप इस तरीके से पहना करो साड़ी जब भी आप पहनो। उसके बाद मैंने एक और सेफ्टी पिन ली है जिससे मेरी जो प्लीट्स हैं वो खिसके ना। सो यहाँ मैंने परफेक्ट तरीके से अपनी जो साड़ी है वेयर कर ली है, और आप देख सकते हो मेरा जो फाइनल लुक है कितना सुंदर लग रहा है ना, अट्रैक्टिव लग रहा है। कोई भी गाइस देखेगा तो वाकई में पूछता रह जाएगा कि आपने साड़ी कैसे पहनी है, क्योंकि इसमें इतने अच्छे से जो लुक हमारा उभर के आता है बहुत अच्छा लगता है, सामने वाले को एकदम से अट्रैक्ट करता है। सो ये
मेरा आज का वीडियो है। आई होप आपको गाइस ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तरीके से मैं आप लोगों के साथ और भी वीडियो शेयर करती रहूँगी अच्छी अच्छी, और भी मुझे आप कमेंट डाउन करके बता सकते हो कि आप किस तरीके से वीडियोज़ देखना चाहते हो। सो आप लोगों के लिए मैं वो वाली वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। सो मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हो। सो गाइस मिलते हैं किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय।